प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, हम लोग ग्रहों की युति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह जब युति करके बैठते हैं तो उसका क्या फल रहता है, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पाँच ग्रह योग की इस श्रृंखला में। सबसे पहले पाँच ग्रहों का आधार आपकी जन्म कुंडली पर कहाँ पर बनता है, इसको जरूर देखना चाहिए। उसी के आधार पर इसका फल स्थिति भी यहाँ पर देखी जानी चाहिए। पांच ग्रहों की श्रृंखला में अब हम लोग बात करेंगे इस युति के आधार पर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र को लेकर के। अगर ये पांचों ग्रह एक साथ कुंडली पर बैठते हैं, इसका क्या फल रहेगा? वैसे तो ये कौन से भाव में किस आधार पर इसका फल घटित होता है, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन सामान्य फल यहाँ पर जो लिखा हुआ, का जातंदु बहु दुखी, पितृ मात्र विवर्जिता, नाग प्रीतो नरो भौमा, भानु चंद्रे च भार्गवे। अर्थात ये अगर एक जगह में बैठते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं, जो उनको वह माता पिता के सुख से वंचित हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनका सुख नहीं मिल पाता और बचपन इन लोगों का खासकर बड़े दुख के साथ में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों को पशु पालन आदि का भी बड़ा शौक रहता है, पशुओं के प्रति इनका प्रेम भी बहुत देखा जा सकता है। बड़े लग्जरी जीवन को जीने का इनका एक सपना होता है, वाहन है, मकान है, इन चीज़ों का सुख इनको प्राप्त हो पाता है। लेकिन इसके लिए इनको दीर्घकाल तक कभी कभी प्रतीक्षा भी करनी पड़ जाती है। तो वैसे देखा जाए तो मिला जुला कर योग श्रेष्ठ है, लेकिन कौन से भाव में और किस स्थिति पर विराजित है, इसको भी हमें साथ में देख लेना चाहिए। दर्शकों, आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।